रहता का उल्टा चश्मा। बस बस ये क्या, एक भी कस्टमर नहीं है? अरे कहाँ गए ये लोग? क्या हुआ? हवा निकल गई। मेरी भी है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे क्या वेलकम, कस्टमर लोग कहाँ हैं? किसी पार्टी ने मुंबई बन के ऐलान तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं सेठ जी। अरे तो इतना प्रचार करने के बाद भी कोई कस्टमर आया क्यों नहीं? वो टेम्पलेट में दुकान का नाम और एड्रेस तो ठीक से लिखा था ना, कि गलती से किसी और दुकान का नाम और एड्रेस लिख दिया? अरे नहीं नहीं सेठ जी। अरे नहीं तो फिर कस्टमर लोग कहाँ है? अरे रामसंग कंपनी ने ये इतना धमाकेदार ऑफर रखा है, अगर हमारी दुकान से एक भी चीज नहीं बिकी तो मैं रामसंग कंपनी वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारा नाम खराब हो जाएगा भाई। और ऐसे तो बाकी सब कंपनी वाले भी हमें माल देना बंद कर देंगे। अरे कोई हमें माल देगा नहीं तो हम बेचेंगे क्या ये दुकान? बेच के गांव चला जाऊं मैं? कूल डाउन सेठ जी, कूल डाउन। आप आज दुकान जल्दी आ गए हैं, अभी स्कीम शुरू होने में टाइम है सेठ जी। अभी थोड़ी देर में कस्टमर्स की भीड़ चालू हो जाएगी, फिर वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। हम काफी जल्दी आ गया हूँ आज। हाँ आज बाप रे, एक भी कस्टमर देखा नहीं तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया था सेठ जी। इसीलिए बड़े सयाने कह के गए हैं, मन में जब भी ऐसा कुछ टेंशन जैसा लगे तो मन को एकदम शांत सरोवर जैसा कर देने का। कैसे है? नहीं, सरोवर की तरह शांत करना चाहिए वो पता चला, लेकिन उसकी रीत क्या? रीत आंखें बंद करने की। आपको ये सोचना है कि आप सरोवर किनारे बैठे हैं, सामने सरोवर है पानी से भरा हुआ। ऑब्वियसली सेठ जी, सामने सरोवर है, शांत सरोवर, कोई हलन चलन नहीं है, आजू बाजू एकदम शांति है। यही सब सोचते सोचते मन एकदम शांत हो जाएगा। ए भाई ए बंद कर तेरी ये शांत सरोवर वाली ट्रीटमेंट बंद कर भाई। ये देख भाई, नटू काका सो गए, आज मेगा ऑफर है, ऐसे सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ओ नटू काका जागो मोहन प्यारे। वाह भागा, मजा आ गया। तेरा ये शांत सरोवर वाला ऑडियो ट्रैक मुझे रोज सुनाना। ठीक है नटू काका, मैं रिकॉर्ड करके आपको मोबाइल पे भेज दूंगा। भागा, लाइव में जो मजा है ना वो किसी में नहीं। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। चलो भाई चलो, अभी काम पे लगे। हाँ हाँ, अभी कस्टमर लोग आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पौरी जी। वो पता है, लेकिन आज अभी बोनी इससे होगी? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी आज हमारी दुकान में कस्टमर बन के नहीं आए हैं, एम्प्लॉय बन के आए हैं। क्या? बताता हूँ सेठ जी, देखिए आज हमारी दुकान में कस्टमरों की भीड़ बहुत होगी, तो क्या है अगर हमारे साथ एक हेल्पिंग हैंड होगा तो काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। जितने ज्यादा हाथ उतना काम फास्ट। वैसे सॉरी सेठ जी, आपको पूछे बगैर मैंने बावरी जी को हेल्प करने के लिए बुला लिया। अरे लेकिन भाई ये हेल्प करने की जगह उल्टा काम बढ़ाएगी भाई।
मान ले और कुछ नहीं, इसको बिल बनाने भी बिठाया और कस्टमर का नाम हुआ मिस्टर रंजन, तो ये लिख दे कि मिस्टर मंजन। किसी कस्टमर का नाम हुआ मिस्टर रक्षस, तो ये लिख दे कि मिस्टर राक्षस। तो कस्टमर लोग तो भड़क जाएंगे ना भाई, तो हम लोग धंधा संभाले कि इसकी गलती है। नहीं 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 सेठ जी, बावरी जी आज दुकान में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ वहाँ गेट के पास खड़े रहेंगे और जितने भी कस्टमर आएंगे उनसे कहेंगे वेलकम, और जो भी खरीदी करके जाएंगे उनसे कहेंगे थैंक यू विजिट अगेन। बस सेठ जी, इट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है, लेकिन तू पूरा दिन बाघा से दूर रहेगी, हाँ? वरना मैं तुझे घर भेज दूंगा। ओके, थैंक यू खेतालाल जी। अरे जेठालाल, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मजा आ जाएगा।